तो गाइस आज की इस वीडियो में हमारे जानवर बन चुके हैं एकदम ओपी, लेकिन सिर्फ दिखने में। तो आपको तो पता ही है हमारे प्यारे जानवर माइनक्राफ्ट में एकदम कटी रत्तड़ दिखते हैं। तो अपने जानवरों को हैंडसम बनाने के लिए आज मैंने उनको फेरन लबी लगाई है, जिससे हमारे जानवर मस्त दिखने वाले हैं और हमारे अंकल जी भी दिखेंगे, उन पे भी ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने जानवरों को देखने से पहले थोड़े से टूल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से काटते हैं थोड़ी सी लकड़ियाँ। तो ये आ गई अपने पास काफ़ी सारी लकड़ियाँ। ये बन गई अपनी क्राफ्टिंग टेबल और ये बन गई अपनी एक एक्स और एक पिकएक्स। अब टेस्ट करते हैं अपने जानवरों का, ऐसी जगह स्पॉन कराते हैं जहाँ कोई जानवर ही भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। अबे कहाँ है, ओ हाँ हमारे पिग्गी भैया दिखे। और ये तो भाई साहब कुछ ज़्यादा रियल दिख रहे हैं, हमें सही में नॉर्मल में देखो कुछ ऐसे दिखते हैं कभी रद्दड़, और आज देखो भाई साहब क्या ही एकदम मस्त। ओ भाई सीप को नहीं, सीप को बाद में देखेंगे भाई, एकदम पूछ भी है, पूछ में वो घूम मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती कुछ वैसी है भाई पूछ। एक सेल्फी तो बनती है हमारे पिग्गी भैया के साथ। भाई कहाँ घुस गया मेरे क्या चाहता है पिग्गी। चलो अब बहुत हो गया तुम्हारे साथ सेल्फी बहुत ले ली, थोड़ा सा खाना दे दो। ओ भाई ये देखो भाई सीप तो भाई कुछ ज़्यादा रियल दिख रही है भाई साहब, सही में यार एकदम मस्त है भाई कुछ भी कहो। अबे यार ये नहीं कौन सी जगह स्पॉन करा रखा है, एक जानवर ही नहीं दिख रहा, और कोई जानवर दिखे तो उस पर भी टेस्ट करें वो कैसा दिखेगा। उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़े स्टोन के टूल्स बना लेते हैं, कब तक इन लकड़ियों का सहारा लेते रहेंगे। तो ये बन गए अपने कुछ स्टोन के टूल्स, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओ ये क्या पानी में कुछ शार्क जैसा लग रहा था मेरे को। अबे ये तो हमारे ऑक्टोपस भैया हैं भाई, क्या बना दिया इनको, अबे ये तो पूरे अलग कर दिए एकदम, वो लग रहे हैं क्या बोलते हैं, क्या ही बोलते पता नहीं रियल में तो यार ऐसे नहीं होते, इनके साथ तो कुछ ज्यादा छेड़खानी कर ली, पूरा ही रूप बदल दिया। और हमारी प्यारी मछलियां तो भाई वैसी की वैसी हैं, इन पे तो कुछ किया ही नहीं यार, इनको भी थोड़ा अच्छा कर देते क्या पता यार, ये भी हमें मस्त दिखती है। और हमारे खरगोश भैया तो भाई साहब ये भी वैसे ही है यार, इन पे भी चेंज नहीं हुआ, आधे रियल दिख रहे हैं आधे तो भाई पहले जैसे ही हैं। छोड़ो आगे चलते हैं, कुछ अच्छे सी जगह मिल जाए। हाँ मेन तो मुझे अपने अंकल जी को देखना है भाई, कह तो रहे थे कि हमारे अंकल जी एकदम रियल दिखेंगे हमारी तरह लंबी नाक वाले। तो आगे चलते हैं, पहले तो यहाँ से सबसे पहले पता नहीं कौन सी टट्टी सी जगह पे स्पॉन करा दिया इन्होंने। छोड़ो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, कुछ हमें और एनिमल्स ढूंढने हैं और कोई एनिमल्स मिले, मुर्गियाँ वगैरह। ओ ये देख हैन, ओ ये तो भाई एकदम रियल ओके, लेकिन ये देखना कहाँ चाह रही है भाई, क्या चाहती हो भाई, कभी गर्दन इधर कभी उधर एकदम रियल। लो भाई तुम्हारे लिए पार्टनर भी मैं ढूंढ लाया, इनको भी चलो थोड़ा सा खाना खिला देते हैं, एकदम रियल दिख रही हैं। और बता रहा हूँ सिर्फ खाना खिला रहा हूँ, कुछ करने मत लग जाना भाई, मना किया था ना मैंने तुमसे, अब भुक तो हाँ अब खाना दे दो, चलो निकलो चलो। इनका भी हमने लेग पीस बना दिया, अब आगे चलते हैं। और हमें कौन कौन से जानवर देखने हैं, हमारी काओ बाकी है, हमें काओ देखनी है भाई, बहुत सारे मॉब होते हैं इसमें, तो माइनक्राफ्ट में मॉब की कमी तो है नहीं। तो और चलते हैं आगे, थोड़ा सा और जानवर मिल जाए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और एक सेकंड वो क्या है, काओ है हमारी वो तो, ओ ये ओ भाई सबसे ज्यादा रियल तो ये लग रही है भाई, सींग भी है इसके तो भाई सबसे रियल भाई, ऐसी तो भाई मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, सब कुछ भाई सही में एकदम रियल दिख रहा है भाई, ये तो काओ ने तो भाई माइनक्राफ्ट की बेइज्जती कर दी, कती रियल दिख रही है भाई अभी तक की, भाई मेरे को सबसे बेस्ट लगा भाई, बाकी सब तो थोड़ा बहुत चेंजेस थे, लेकिन काओ में तो सबसे ज्यादा चेंजेस हैं। लेकिन कुछ भी कहो हमारी मुर्गियां भी कम नहीं है दिखने में, इन्होंने भी कुछ तगड़ी वाली फेयर एंड लवली लगाई है, नए वर्जन वाली अपडेट आया उसमें भी लग रहा है। अब यार यहाँ पे इतनी जल्दी रात होगी, चलो अपने लिए यहाँ पे बेड भी मैंने बना लिया था। अपने ज़ॉम्बी भैया पे भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं उनका रूप बदला कि नहीं बदला, वो भी तो बदल गए होंगे भाई। ये ओ स्पाइडर, ओ ये तो कुछ ज्यादा रियल है ये भाई, मुझे नहीं लड़ना मैं ऊपर जा रहा हूँ, और तू मत आज, ओ भाई यार ये भी ऊपर आ रही है भाग यहाँ से, मुझे लड़ना ही नहीं है भाई, हमारे ज़ॉम्बी भैया चेंज नहीं हुए हैं, बस ये स्पाइडर चेंज हो गई है। और भाई लो स्केलेटन भैया भी हमारे सेम ही है, इन पे भी चेंज नहीं है। और हमारा बेस्टी दिख रहा है आसपास कहीं, बेस्टी कहाँ गए, वहाँ वो रहे, दो दो बेस्टी हैं भाई, ये भी दिखने में सेम है, इन पे भी काम नहीं किया यार। छोड़ो यार हम अपना सो जाते हैं, नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेन तो मुझे अपने अंकल जी को देखना भाई, वो चेंज नहीं हुए तो मैं बता रहा हूँ फोड़ दूंगा हाँ एक तो यार इन्होंने पता नहीं कहाँ स्पॉन करा दिया, कहीं आसपास विलेज भी नहीं दिख रहा मुझे, आगे चलते हैं चलो यहाँ पे कुछ मिल जाए तो। ओ ये क्या डॉल्फिन है ये, ये तो भाई ये भी सबसे रियल लग रही है भाई, अगर शार्क होती तो वो तो कुछ ज्यादा रियल दिखती, वैसे डॉल्फिन भी यार कम नहीं है, एकदम रियल दिख रही है भाई, लो छलांग भी देखो एकदम डॉल्फिन वाली मार रही है, वो डॉल्फिन ही है तो डॉल्फिन जैसी तो मारेगी मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ यार।
हमारे कछुआ जी भी वैसे ही हैं भाई। इनकी तो यार कोई इज्जत ही नहीं है माइनक्राफ्ट में। यहाँ पे पम्पकिन है, यानी कि आसपास विलेज हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है पम्पकिन के आसपास पक्का विलेज मिलता ही मिलता है। तो विलेज तो आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा चलते हैं आगे, चल के ढूंढते हैं, मिल तो जाना चाहिए यार। और एक सेकेंड, वो क्या है वो डॉग? ओ भाई ये तो एकदम हट्टा कट्टा डॉग बना दिया इन्होंने तो, एकदम रियल भाई। लेकिन इसकी आंख पीली क्यों है भाई साहब? कुछ भी कहो, ये भी दिखने में भाई जबरदस्त लग रहा है, लेकिन एकदम बॉडी बिल्डर वाला डॉग है भाई। लेकिन इसका इसका रूप यार पूरा ही बदल दिया है। मेरे पास यार बोन भी नहीं है, वरना तो टेम कर ही लेता मैं। ये भी यार कम नहीं दिख रहे, ये भी खतरनाक दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे बी नेस्ट है ना, तो उसका मतलब बी भी आसपास होगी मधुमक्खी। तो वो वहाँ वो रही ऊपर देख। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही डरावनी से लग रही है मेरे को तो। कुछ भी कहो भाई, ये भी खतरनाक है एकदम, दिखने में खतरनाक लग रही है मुझे भाई। मैं पंगे मुझे पंगे लेने ही नहीं है भाई। भाई दिखने में तो खतरनाक लग रही है, पंग मैं नहीं मारूंगा भाई, दूर रहो इनसे जितना बढ़िया है, वरना तो भाई ये जहर दे देंगे, वही खत्म हो जाएगा अपना खेल। भाई क्या ये लग रही है सही में भाई, ये तो सबसे ज्यादा रियल है अभी तक की भाई। कुछ भी कहो यार, मस्त बना रखी है भाई, जिसने भी बनाया भाई मस्त बनाया। नीचे चलते हैं, और नीचे हमारे हॉर्स भी दिख रहे हैं मेरे को, तो इन पे भी देखते हैं इनको चेंज किया है। अबे भाई हमारे हॉर्स भैया को चेंज ही नहीं किया, लगता उन्हीं को चेंज किया जिनका काम होता है। हॉर्स को यार करना चाहिए था यार, ये तो कुछ मस्त लगते हैं भाई देखने में तो, एकदम रियल वाले हॉर्स जो होते हैं। कुछ भी कहो यार मस्त बना रखा है। और हमारे जॉम भी ज्यादा चेंज नहीं कर रहे। हाँ अभी याद है मेरे को, एंडर ड्रैगन चेंज कर दिया हो तो भाई, वो तो अलग ही ड्रैगन बना दिया होगा पक्का। हो सकता है भाई, वो भी देखेंगे आगे चलते, पहले विलेज ढूंढते हैं। काऊ का बच्चा भाई, ये तो सबसे भाई एकदम क्यूट सा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई, छोटा वर्जन है, मस्त लग रहा है भाई। कुछ भी कहो देखने में। लो भाई सामने विलेज मिल गया, बस यहाँ पे हमारे अंकल जी भी मस्त हो दिखने में। चलते हैं अब आगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना भी जमा करते रहते हैं रास्ते में। और ये हमारे अंकल जी, ओ भाई ये तो चेंज ही नहीं हुए भाई, ये तो यार स्कैम कर दिया अपने साथ। कह तो रहते भाई अंकल जी सबसे ज्यादा चेंज हो जाएंगे, ये तो कति रद्दड़ दिख रहे हैं पहले जैसे ही, लंबी नाक वाले। अबे भाई स्कैम कर दिया अपने साथ, अबे यार पीट दूंगा एक आध को। गुस्सा आ रहा है वैसे, आराम से कर्राटे मार रहे हैं अभी। गोलम भैया से मजे लेते हैं भाई, गोलम भैया आयरन दे दो यार तुम तो, ये तो एकदम कति रद्दड़ है। इनको मारेंगे तो मारेंगे गोलम भैया में, मारो। अबे गोलम भैया को कोई फर्क ही नहीं है, इन्हें को मारते हैं। चलो ऊपर ऊपर से ही मारेंगे भाई, एकदम बच के रहना, पता नहीं पीछे से आगे लपेटे में ले लें। अबे कोई टेंशन ही नहीं है भाई, मैं मार के आया एक थप्पड़ अभी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपनी बचने वाले अब मैं, अपनी ऊपर चढ़ के नहीं मारूंगा, अब तो सामने सामने मारूंगा तू। अब नहीं बचने वाले गोलम भैया, मैं बता रहा हूँ, हर बार तेरे को ब्लॉक लगा के मारता हूँ, इस बार एकदम ग्राउंड लेवल फाइट होने वाली है। अब नहीं बचने वाले, मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं इस बार तो गए गए। मेरे को ही मार दी, छोड़ो यार, छोड़ूंगा नहीं यार, अब नहीं बचने वाले गोलम भैया, मैं बता रहा हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा यार, बहुत मार लिया इन्होंने। ऊपर चढ़ के तो मैं मारूंगा ही नहीं, अब नहीं बचने वाले भाई, इस बार तो पक्का खत्म है। और ये खत्म। 2000 years later. इस बार तो पक्का खत्म है, पक्का इस बार नहीं बचने वाला, गया अब तो गया। हाँ गया ना भाई, मेरे एक आठ बचा है भाई, देख रहे हो नीचे मारने की वजह से 5 आयरन दिए हैं। चलो इनका भी यूज कर ही लेते हैं, अपनी एक एक्स बन गई और एक बन गई अपनी स्वॉर्ड। और हाँ नेदर में भी टेस्ट करें, क्या पता नेदर में भी चेंज करते होंगे। और ऑब्सीडियन कलेक्ट करने की इससे बेस्ट कोई टेक्निक ही नहीं है। ये बन गया अपना पोर्टल, और भाई सब क्रिएटिव में भी हग दिया, और ये फाइनली बन गया अपना पोर्टल, और सीधा चलते हैं नेदर में। और ये ओ भाई नेदर फोर्ट्रेस सामने ही, और यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर भी है भाई साहब। हर बार इतना परेशान करते हैं ये नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने में, और इस बार तो भाई गेट के सामने रख दी भाई साहब, पहली बार सबसे भाई लकी मोमेंट है मेरे लिए तो भाई। लेकिन हमारी ब्लेजेस नहीं यार, ये चेंज नहीं हुई, ये तो पहले जैसे ही हैं रद्दड़। और ये भी हमारे ऐसे ही हैं। अरे नेदर में कोई चेंज नहीं हुआ, घास्ट पे चेक करें। हाँ मेरे को घास्ट पे चेक करना था मेन, तो अब घास्ट को कहाँ ढूंढा जाए, ये टेक्निक तो बेस्ट ही है। ये भी भाई वैसे ही है, कुछ भी नहीं है यार, छोड़ो यार मैं चाह रहा हूँ एंड में चलते हैं, एंड में देखते हैं हमारा एंडर ड्रैगन को चेक करना है, वो तो सबसे मेन है भाई, वो तो पक्का चेंज हुआ होगा। एंड पोर्टल भी अपने जेब में ही है, तो यहाँ से चलते हैं सीधा एंड वर्ल्ड के लिए। और ये आ गया मैं एंड में, और हमारे एंडर भैया भी ये भी वैसे ही है, और कोई कुछ नहीं कह सकता, बता रहा हूँ क्रिएटिव में जो हूँ। और हमारे ड्रैगन भैया भाई यार इनको तो चेंज कर देते यार, ये भी वैसे ही है भाई, गलत ही स्कैम कर रहे हैं यार तुम तो, बस थोड़े बहुत चेंज करे इन्होंने मॉब्स, लेकिन यार देखने में एकदम रियल लग रहे थे। अगर असली माइनक्राफ्ट में भी ऐसे मॉब्स आ जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। लेकिन कुछ भी कहो यार, दिखने में एकदम जबरदस्त लग रहे थे। आपको कौन सा जानवर एकदम दिखने में मस्त लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।
तो होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।